ओ अरे कद्दू बेटा, आज तू स्कूल क्यों नहीं गया स्कूल, मुझे बता। ओ अरे पापा, आज सुबह मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ओ अरे पुष्पा, मेरी पत्नी कहाँ मर गई है, जल्दी कर अंदर से मिर्च वाला इंजेक्शन ले आ, आज मैं देखता हूँ ये कैसे नहीं स्कूल जाता। हाँ महाराज, क्या हो गया, क्यों चला रहे कुत्तों की तरह। ओ अरे पुष्पा, जल्दी कराओ अंदर मेरी दराज से मिर्चों वाला इंजेक्शन ले आओ, आज मैं देखता हूँ ये कद्दू का बच्चा कैसे नहीं स्कूल जाता। ओ अरे पापा, ये मुझे बहुत ज्यादा तंग करता है, आज इसे ठोक दो इंजेक्शन। अरे क्या इंजेक्शन, अरे नहीं पापा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं रोज स्कूल जाऊंगा, प्लीज मुझे इंजेक्शन ना लगाना। ओ अरे पुष्पा, कहाँ चले गए हो, इंजेक्शन क्यों नहीं लेकर आई, बाहर कहाँ मर गए हो, अंदर वॉशरूम के गटर के अंदर तो नहीं फंस गई। ओ अरे महाराज, थोड़ा सा छुरी के नीचे सांस लो, मैं अभी आ रही हूँ लेकर इंजेक्शन। ओ अरे महाराज, ये लो इंजेक्शन मिर्चों वाला, ठोक दो आज इसे, ठोक दो, ये रोज बहाने बनाता है स्कूल नहीं जाता। ओ अरे पापा, लेकिन आपको तो इंजेक्शन लगाने का पता ही नहीं है, अगर इसको गलत इंजेक्शन लग गया तो ये मर जाएगा, मैं तो कहता हूँ शर्मा जी को बुला लेते हैं। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं अभी शर्मा जी को कॉल करता हूँ, अब वही आकर इसको इंजेक्शन ठोकेगा जोर से। हेलो, शर्मा जी बात कर रहे हो? जी, मैं शर्मा जी बात कर रहा हूँ, लेकिन तुमने आज मुझे सुबह सुबह क्यों तंग किया है, कौन हो तुम? ओ हेलो शर्मा जी, मैं पंडित बात कर रहा हूँ, पंडित। अच्छा पंडित जी, अच्छा पंडित जी, आगे बोले, क्या काम है, क्यों फोन किया मुझे आज सुबह सुबह। ओ अरे शर्मा जी, असल में बात ये है कि मैंने अपने बेटे को इंजेक्शन ठोकना है, लेकिन मुझे इंजेक्शन लगाने का पता नहीं है। अरे शर्मा जी, ये रोजाना स्कूल नहीं जाता, इसलिए मैंने सोचा आज मिर्चों वाला इसको इंजेक्शन ठोकूं, तो मेहरबानी करके हमारे घर आए और इसको मिर्चों वाला इंजेक्शन ठोक के चले जाएं, मेहरबानी करके जल्दी आ जाएं। अच्छा पंडित जी, इसको कौन सी मिर्चों वाला इंजेक्शन लगाना है, सुरख मिर्चें या सब्ज मिर्चें। ओ अरे शर्मा जी, आप भी बहुत ही जाहिल इंसान हो, मैंने कोई हांडी नहीं पकानी, इसको इंजेक्शन ठोकना है, जल्दी कर ही आ जाएं। ओ अच्छा पंडित जी, आप गुस्सा मत हो, आप तो गुस्सा ही हो गए। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं अपनी मोटरसाइकिल पे बैठ कर आऊं या कार में। ओ शर्मा जी, मेरी खोपड़ी पर बैठ कर आ जाओ, जो मर्जी मिले उस पर बैठ कर आ जाओ, जल्दी करो। अच्छा पंडित जी, आप गुस्सा मत हो, मैं अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में। अरे ओ कद्दू बेटा, जल्दी करो, तैयार हो जाओ, शर्मा जी आ रहे हैं, अब तुम्हें 10 मिनट के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि स्कूल ना जाने का क्या अंजाम होता है, तैयार हो जाओ बेटा, तैयार हो जाओ। अरे मेरा नाम अंकल शर्मा, मैं जिसको भी इंजेक्शन ठोकता ही रहता हूँ। आए शर्मा जी, अंदर आए, ये मेरे बेटा है कद्दू, ये स्कूल नहीं जाता, जल्दी करो इसको इंजेक्शन ठोक दो। अरे नहीं, इंजेक्शन, अरे नहीं, अरे पापा मुझे बचा लो, अरे शर्मा जी मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, मैं रोजाना स्कूल जाऊंगा। अरे ओ कद्दू बेटा, आराम से एक इंजेक्शन लगवा ले, वरना मैं इस तरह मिर्चों वाले 10 इंजेक्शन ठोकूंगा। क्या 10 इंजेक्शन? अच्छा अंकल जी, एक इंजेक्शन ठोक दे, लेकिन 10 इंजेक्शन नहीं ठोकने, एक इंजेक्शन ठोक दे मुझे। अरे ओ कद्दू बेटा, क्या तुम सिगरेट पीते हो? क्यों अंकल जी, पीछे से धुआं निकल रहा है क्या? अरे शर्मा जी, जल्दी करो ठोक दो इंजेक्शन, ये बहुत ही बदतमीज बच्चा है, जल्दी करो ठोक दो इसे इंजेक्शन। ओ अरे भागो, इसने तो पीछे से एटम बम फोड़ दी है। ओ अरे अंकल जी, कहाँ भागे जा रहे हो, ये सब नेचुरल है।